हेलो सर, आप देख रहे हैं के गुरु चैनल से। मैं बात करने वाला हूं आरा लोकसभा सीट का एग्जिट पोल आखिर क्या बता रहा है दोस्तों। आखिर यहां पे कौन से प्रत्याशी जीतते हुए नजर आ रहे हैं, किस पार्टी के प्रत्याशी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों बीजेपी ने जो है फिर से एक बार जो है राजकुमार को टिकट दिया है, राजकुमार सिंह को यानी आरके सिंह को जो है फिर से जो है यहाँ पे टिकट दिया है। दूसरे तरफ दोस्तों जो है सीपीआई के दोस्तों जो है सुदामा प्रसाद जो है यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों ये जो आरा सीट था लगभग दोस्तों जो है आज से 30 साल पहले जो है माले के ही खाते में था, माले के ही पास रहता था, मगर दोस्तों उसके बाद जो है दोस्तों ये सीट जो है बीजेपी के पास आया और जो है अब यहाँ से जो बीजेपी जीतते हुए नजर आती रहती है। दोस्तों आर के सिंह जो है दोस्तों 2014 से जो है चुनाव लड़ रहे हैं, दो बार के संसद हो चुके हैं और इस बार जो फिर से जो दोस्तों जो है उनको जो है टिकट जो है बीजेपी ने दिया है। और मैं एक बार चीज़ और बता दूं, जो इतने भी 40 के 40 लोकसभा सीट में दोस्तों सबसे ज़्यादा काम करने वाले कोई संसद था दोस्तों वो है आर के सिंह। काम करने वाले संसद में गिनती होता है, इस कारण से दोस्तों यहाँ पे कंफर्म पूरा है कि यहाँ से जो है आर के सिंह जो है उनके पक्ष में फिर से दोस्तों ये एग्जिट पोल आते हुए नज़र आ रहा है, यानी कि जो है आर के सिंह जीतते हुए नज़र आ रहे हैं दोस्तों। बाकी ओरिजिनल जो है दोस्तों 4 तारीख को पता चलेगा, जो 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, मगर जो एग्जिट पोल है सोशल मीडिया और मीडिया के हिसाब से जो है यहाँ से आर के सिंह जीतते हुए नज़र आ रहे हैं।